हेलो गाइस, वेलकम हमारे जे क्यूरी की 71st वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि जे क्यूरी का मदद से हम किस तरह से अपने HTML एलिमेंट्स की आउटर विथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आउटर विथ मेथड के जरिए जो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आउटर विथ बेसिकली है क्या। आउटर विथ में इंक्लूड होती है एलिमेंट की विथ, पैडिंग और बॉर्डर। तो ये तीनों चीज़ें मिलके आउटर विथ बनाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम को अच्छी तरह देख लें और याद रखें कि बेसिकली हैं क्या। ये जो हमारे पास डायमेंशंस हैं ये आगे जाके हमें क्रॉस ब्राउजिंग में हेल्प करेंगी। सो हम अपने वेब पेजेस को डिफरेंट डिवाइसेस से कंपेटिबल बना सकते हैं। इन डायमेंशन को पढ़ना ज़रूरी है। सो हम पढ़ने वाले हैं आज आउटर विथ मेथड इस वीडियो ट्यूटोरियल में। सो सबसे पहले मैं आपको अपनी HTML फाइल का कोड शो करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक मेन डिव है, कंटेनर डिव। उसके अंदर मैंने एक और डिव बनाया हुआ है जिसको आईडी दी हुई है डिव वन, और एक बटन है मेरे पास यहाँ पे। सो CSS फाइल में मैंने कंटेनर डिव को मार्जिन की वैल्यूज दी हुई हैं, डिव वन को मैंने हाइट दी हुई है, विथ दी हुई है, बॉर्डर दिया हुआ है, पैडिंग दी हुई है और उसका अपना मार्जिन की वैल्यू भी दी हुई है। सो बेसिकली यहाँ पे चूंकि हम आउटर विथ मालूम करने वाले हैं, सो मैंने यहाँ पे जो कि उसकी सिंपली दी हुई है वैल्यू विथ की 350 पिक्सल, लेकिन आउटर विथ इससे ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें पैडिंग और साथ बॉर्डर भी इंक्लूड होगा। सो सबसे पहले आउटर विथ को फाइंड करने के लिए मैंने अपने डिव को सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्ट करते हैं डिव को उसकी आई डी के साथ, नंबर साइन के साथ, डिव वन जो उसकी आई डी है डॉट आउटर विथ। यहाँ पे आउटर का ओक्स हमारे पास यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, और जो डब्ल्यू होगा वो कैपिटल होगा। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो ये काम नहीं करेगा। सो फंक्शन ब्रैकेट सेमी कॉलन। अब ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे पास आउटर विथ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेगी, लेकिन मैंने चूंकि इसको बाद में यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ आउटर विथ के लिए, और उस वेरिएबल को नाम दे लेता हूँ लेस से कि मैं इसका नाम रखता हूँ कि W2 उसका नाम रख दिया इस वेरिएबल का। सो W2 में हमारे पास जो आउटर विथ की वैल्यू होगी वो आके स्टोर हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस आउटर विथ की वैल्यू को अपना जो डिव है उसके अंदर डिस्प्ले कर लूँ, तो मैं सिंपली अपने HTML मेथड के साथ, jQuery के मेथड के साथ इसको कर सकता हूँ। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आपको चाहिए कि अपने इस जो प्लेलिस्ट है उसमें नीचे जाएँ और इस मेथड की वीडियो को देखें। अगर आपको ये मेथड आता है तो वो यार वेल एंड गुड, आप इस वैल्यू को वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि इसको डिव में डिस्प्ले करने वाला हूँ सो मैं HTML मेथड को यूज़ करूँगा। सो सबसे पहले डिस्ट्रक्टर के साथ अपने डिव को सिलेक्ट किया, उसकी आईडी मुझे पता है डिव वन है। सो नंबर साइन के साथ डिव वन डॉट HTML फंक्शन ब्रैकेट्स। यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास वैल्यू हो वो सिंपली W2 में तो रॉ वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसने फाइंड किया तो वैल्यू इसके पास आई है 180, तो सिंपली 180 इस W2 में पड़ा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले इस तरह से हो कि आउटर विथ इज इक्वल टू 180px, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कॉन्केटेनेशन सिंबल के साथ इसको फोर टाइप करना पड़ेगा। सो आउटर विथ मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर टाइप करूँगा, ये ऐसे ही डिस्प्ले होगा एज अ स्ट्रिंग। सो इक्वल एंड देन यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेशन सिंबल जो प्लस साइन होता है यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे वेरिएबल का नाम टाइप करूँगा जो है W2। लास्ट कॉन्केटिनेशन सिंबल के से बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर px टाइप करूँगा। तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आउटर विथ की वैल्यू 180 आ रही है तो ये डिस्प्ले होगी डे वन में ऐसे के आउटर विथ इज इक्वल टू 180px। सो थोड़ा बेहतर नज़र आएगा हमारे पास डे वन में इसकी वैल्यू। सो इसको सेव करते हैं, आते हैं वेब ब्राउज़र में, अपनी फाइल को ब्राउज़र में आके रिफ्रेश किया ताकि चेंजेस इफेक्ट ले लें। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि आउटर विथ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 398px। सो इसकी वैल्यू है 398 जबकि हमने वैल्यू दी हुई थी CSS में 350। ये वैल्यू उससे ज़्यादा इसलिए है कि उसमें पैडिंग की वैल्यू भी उसके अंदर होती है आउटर विथ के अंदर। आउटर विथ के अंदर तीन चीज़ होती हैं, एलिमेंट की विथ, उसकी पैडिंग साथ, और उसका जो बॉर्डर है उसकी भी साथ। क्योंकि मैंने बॉर्डर और पैडिंग दी हुई है तो इस वजह से इसकी वैल्यू 398 आ रही है। सो इस तरह से हम किसी HTML एलिमेंट की आउटर विथ को फाइंड आउट कर सकते हैं आउटर विथ मेथड के साथ। अगर आपको इस मेथड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट से मतलब बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। आने वाली वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा जिससे हम jQuery की मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना कर पाएँ। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।